मैंने कई लोगों को देखा। अब मान लीजिए उसका नाम अमुक है, कोई नाम, तो माइकी का टाइटल पीछे लगाया। मान लीजिए अनु शर्मा नाम, मान लीजिए अगर किसी का हो तो मान ही लेना, वैसे मत लेना हृदय पे। तो अब विवाह हो गया तो अब उनकी आईडी पर क्या चल रहा है? अनु शर्मा तिवारी। समझ आया ना? तो आप विचार कीजिए कि तुम्हारे पिता ने अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेकर तुम्हें सौंप, लेकिन सोचो उस पिता ने जिसने सौंपा तुम उनकी भी नहीं हुई। मतलब पिता ने दान दिया पर तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और लड़की का गोत्र और उसका टाइटल उसका होता ही नहीं है, उसका तो तब होता है जब उसका विवाह और पाणिग्रहण संस्कार। अब विचार कीजिए जिसने नए परिवार में जाकर भी अपने टाइटल को स्थिर रखने का प्रयास किया है, इसका मतलब वो खुद ही स्थिर नहीं है कि मैं टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगी। और जिसके मन में इतना संशय है तो उसके गृहस्थी का क्या होगा भगवान जाने। जिस परिवार में जा रहे हो उस परिवार को अगर अपना नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और जिस परिवार में जा रहे हो परिवार वाले अगर उस बच्ची को अपना नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से तो बज नहीं सकती। दोनों ही स्थितियों को देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज यही नहीं हो पाने के वजह से विवाह तो गुड्डा गुड़िया का खेल हो गया है। बोला तुम खेल रहे हो तो खेलो, वरना हम अपनी गुड़िया ले जा रहे हैं, तुम अपना गुड्डा ले जाओ। विचार करो, सनातन का वैवाहिक दर्शन जो सात जन्मों के फेरे की बात करता है, दर्शन की बात करता है, आज मजाक बन गया। कारण इन सब कारणों की वजह से, क्योंकि जीवन में अध्यात्म नहीं है, मैं भर गया है मैं, और इस मैं के वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट रहे हैं। देखो भैया, किसी एक को ठंडा होना पड़ेगा, या ये कह लो समझदार होना पड़ेगा। और हर बार कोई एक ही समझदार हो ये भी जरूरी नहीं है, दोनों को समझना पड़ेगा। अगर आपको अपने परिवार से प्रेम है, अगर आप अपने परिवार को संगठित और जोड़े रखना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं दोनों चारों पांचों जितने लोग हैं सबको समझना पड़ेगा। वरना क्या होगा? वरना वही होगा कि आज अदालतों में जितनी लाइनें लगी हैं एक साल के अंदर की शादियां टूटने की, आप कल्पना नहीं कर सकते। कई हमारे जुडिशरी जो लॉ के मित्र वो बताते हैं कि हम तो खुद घबरा रहे हैं कि हो क्या रहा है, आने वाले समय में विवाह होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि सब तनातनी में चल रहे हैं। बड़ी भारी समस्या है। और क्षमा करना, आप मैं कोई इसमें क्या बोलते हैं आपके लिए नहीं कह रहा, आप सुनो नहीं सुनो इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं से आ रही है तो वो महिला पक्ष से आ रही है। सीधी सी बात है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आज मेरे पास ऐसे कई लड़के हैं जो घबरा रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमें नहीं करनी महाराज जी, हम तो ऐसे ही सही है। वो अपने दोस्तों की अपने रिलेटिव्स की स्थिति देख रहे हैं, बोला हम तो ऐसे ही ठीक। तो अगर ये चला तो आने वाले समय में क्या होगा? विचार करो, सोचो। एक लड़का, कड़वी बात सुनो, कड़वी कड़वाट जीवन से चली गई है इसलिए बीमारियां आ रही हैं, कड़वी बात सुनो। एक लड़का 1,00,000 रुपए महीना कमाएगा ना, एक लड़का अगर 1,00,000 रुपए महीना कमाएगा तो अपने परिवार को जिम्मेदारी से चलाएगा, और वो 10 बार ये नहीं चिल्लाएगा कि मैं 1,00,000 रुपए महीना कमाता हूं। लेकिन क्षमा करना, अगर कोई 20,000 कमा कर ला रही है ना, तो 20,000 बार बोलती हूं मैं भी कमाती हूं हाँ, और ये हल्कापन ही परिवार को तोड़ देता है। कमाने की मनाही नहीं है, कमाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता है तो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकर ही बनना है, एजुकेशन का मतलब ये भी है कि आपकी आने वाली संतान को महान बनाना है, आपकी शिक्षा आपकी संतान के निर्माण में लगे, शायद किसी नौकर बनने से ज्यादा बेहतर है कि उनको मालिक बनाने की तुम शिक्षा दे पाओ, उनको महान बना पाओ। प्राचीन भारत में स्त्रियां वेद पढ़ती थी, पुराण पढ़ती थी, सब उनको पढ़ाया जाता था, इसलिए नहीं
कि वो जाकर उसको बांचे, इसलिए कि वो अपने बच्चों को महान संस्कार देकर उनको महान बनाए, उनको श्रेष्ठ बनाए। स्त्री के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। यही पुरुष को भी चाहिए कि स्त्री के साथ वात्सल्य से रहे, प्रेम से रहे, और दोनों को एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान से रहना चाहिए। प्रयास तो यही होना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि दोनों रहने को तैयार हैं, लेकिन कोई एक और है जो रहने देना नहीं चाहता। एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट आई, आपके पास भी आई होगी। रिपोर्ट यह आई कि एक महिला आयोग की रिपोर्ट है महाराज, कि जितने घर इस समय टूट रहे हैं, उस समय उस ज्यादा टूटते हुए घरों में हमारी जो बेटियां हैं ना, उनकी मैया का हाथ है। अब बताओ ये जन किसने कह दिया, अब बाकी आप समझ लेना। अब सुनो एक और कड़वा, दो तीन चार कड़वी गोली लाया हूं आज मैं। कड़वाहट ये कि बिटिया जा रही है और उससे कहा जा रहा है चिंता मत करना हम बैठे हैं, तो तुम खड़े हो जाओ। बैठे क्यों, क्या वो युद्ध करने जा रही है? अरे भाई संबंधि का मतलब क्या होता है, संबंधी एक हो जाना। तुम एक ही नहीं हो रहे, जब मानस से एक नहीं होगे तो शरीर कब तक काम करेगा? आपके विचार में इतना है कि बस हमारी बेटी, हमारी बेटी, दुनिया की कोई बेटी तुम्हारे यहां अगर तुम्हारे बेटे से निभके आ जाए तो वो नहीं, वो तो हमारी बेटी, क्यों वो बेटी नहीं? अगर आपकी बेटी के साथ आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो आपकी बहू के साथ ऐश्वर्य क्यों नहीं चाहते? आपकी बेटी कह रही है मम्मी अब नहीं समझ में आ रहा, मुझे अलग रहना, चिंता मत कर, पापा से बात करूंगी, फ्लैट दिलवा दूंगी, कम पड़ेगा तो पैसे लगा देंगे। लेकिन बहू कहे समझ में नहीं आ रहा, तो कहेगी क्या नहीं समझ में आ रहा, रहो यहीं रहो, हम भी तो आए थे ऐसे, अपनी बेटी को भी सिखाओ, हम भी ऐसे ही आए थे, क्यों नहीं सिखा रहे हो? अच्छा 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 गप गप, अब कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। समाज यही बट रहा है, इसलिए अच्छी खासी बच्चियों जिनके जीवन बन सकते हैं, देखो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर लें या घर के कामकाज सीख लें, वो भी होता है। मैंने ऐसे भी देखे, मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बच्ची इंजीनियर, एक बच्ची आईएएस है और परफेक्ट है घर के हर काम करने के लिए, क्योंकि माँ परफेक्ट थी। उस माँ ने उनको आईएएस भी बना दिया, इंजीनियर भी बना दिया और घर का हर काम करना सिखा दिया। ऐसी माँ अगर आजकल आ जाए तो फिर बात ही क्या है, बहुत कुछ माँ के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा दर्शन कि सारी चीजें अपनी जगह सही है, बच्चे उतना नहीं कर पा रहे, नहीं सीख पा रहे, तो उस परिवार को भी चाहिए जिस घर में बेटी जा रही है, उस परिवार को भी चाहिए और उस तथाकथित सासू माँ को भी चाहिए कि तुम अभी 50, 60, 55 साल की हो और तुम अगर ये सोचो कि ये 22, 25 साल की बच्ची तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हें भी यहां तक पहुंचने में इतना समय लगा है, तुमने भी सीखा है, तुम एक दिन में उससे एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ये गलत है और ये हो रहा है। और वही तुम्हारी बेटी के लिए फोन आ जाए, अब अभी वो बेचारी ऐसे नहीं चलेगा। यही कथा, ये शिव की कथा यही तो बता रही है कि उन्होंने नहीं मानी और आज भी नहीं मानने की वजह से तिल तिल बेटियां सती हो रही है। ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपके रोज बात करने की वजह से उनके घर टूट रहे हैं। और भले आप अच्छी बात करो, लेकिन जब घर में डिस्ट्रक्शंस पैदा होते हैं तो ये लगता है 2 घंटे जहां बात करती है वहीं से सीख रही होगी। हो सकता है वो ना ऐसा कह रही है, लेकिन ऐसा होता है। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि अपने परिवार को देखो, परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे, आपका परिवार, ये सबसे महान चीज है। अगर आपने उसको बना लिया और वो ना बन पाया तो तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी दौलत धरी रह जाएगी, पंछी उड़ जाएंगे, तुम बैठे रहोगे हाथ प्यार धरे, कुछ नहीं आएगा काम। और इसे जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ लो, क्योंकि पश्चिम की हवा इतनी तेजी से चल रही है कि ये घरों को खत्म कर रही है, तेजी से खत्म कर रही है।
आप सोचो हम बचे हुए हैं, बचा तो कोई भी नहीं है, बस ये कि संस्कारों के जितने हमने चादरें ओढ़ रखी हैं, वो एक एक चादर धीमे धीमे खिंचेगी तो हम कमजोर पड़ेंगे, या तो उसको टाइट करो, बच्चों को संस्कार दो, सिर्फ उनको ये मत सिखाओ कि तुम्हें पढ़ना है नौकरी करना है। भारत का सनातन का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि बेटा तू पढ़ जा नौकरी कर ले, ये आधा सिखाया ना तुमने, आधे के वजह से सब आधा रह गया। तुमने बच्चे को डांट लगाई, कोने में खड़ा कर दिया, जब तक ये टेबल्स नहीं सुनाएगा तब तक तेरे को खाना नहीं मिलेगा। तुमने कभी अपने बच्चे की डांट लगा कर ये कहा, जब तक तू हनुमान चालीसा नहीं सुनाएगा तब तक तेरे को खाना नहीं मिलेगा? बताओ। अब से अगर तूने कोई घर में आया और तूने प्रणाम नहीं किया तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा, तुझे नए कपड़े नहीं मिलेंगे। तुमने बोला? तुमने नहीं बोला। क्या हुआ? अब तुम कहते भी हो तो तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि जब आकार देना था तब आकार नहीं दे पाए और अब वो अकड़ गए तो अब कुछ हो नहीं सकता। फिर तुम धीरे से झुंझुना बजाते हो, अब क्या करें आजकल तो ऐसा ही है, दिमाग से निकाल तो ये तुम ही कहते हो आजकल ऐसा ही। ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा ही है, ये बजाना बंद करो, ये तुम्हारे वजह से ये दिक्कतें हो रही। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा है तो एक्सेप्ट हो गया, वरना ऐसा हर जगह नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है।